एक्सपल्स 200 और ये मेरे फ्रेंड की है जो जिम आता है, तो उसने मॉडिफिकेशन करी हुई है इस बाइक में। ये देख सकते हैं आप, एग्जॉस्ट उसने लगा रखा है, हैंडल बार राइज करे हुए हैं और सीट को थोड़ा सा और ऊंचा किया है और बाकी सब चीज़ें स्टॉक है इसमें, लेकिन लग ऐसी रही है ना, मतलब एकदम धासू। तो गाइस अभी मैं चला रहा हूँ एक्सपल्स और ये सच में जैसा मेरा दोस्त कह रहा था ना, ये इसकी फील ही अलग है। मतलब इतनी ऊंची बाइक है, ये इतनी ऊंची बाइक है कि आप नॉर्मल कार से, स्कूटी से बहुत ऊपर लगते हो इसमें। और जिस भाई की ये बाइक है उसने फ्री फ्लो एग्जॉस्ट लगा रखा है एंड इट इज़ वेरी सूदिंग, मतलब कानों को बहुत राहत देती है वैसी वाली आवाज़। ज़्यादा लाउड भी नहीं है और ज़्यादा हल्की भी नहीं है, एवरेज है। पिकअप काफ़ी अच्छा है इसका फ्री फ्लो एग्जॉस्ट लगने के बाद, या फिर कुछ ट्यूनिंग करवाई होगी भाई ने, तो नॉर्मल एक्सपल्स से काफ़ी बेहतर लग रही है ये बाइक। तो यार ये जैसे मेरा दोस्त भी बोल रहा था, उसके पास भी क्लासिक 350 थी, मेरे पास भी क्लासिक 350 थी, दो उसने भी अब अपनी 350 बेच के डोमिनार ले ली और वो यही कह रहा था अगर वो डोमिनार नहीं लेता तो वो यही बाइक लेता, एक्सपल्स 200। और जैसे कि हम दोनों का एक्सपीरियंस सेम है कि रॉयल इनफील्ड का बाइक जो है उसका इंजन वो इतना अच्छा नहीं है, मतलब इतना रिफाइन नहीं है और उस पर टाइम के साथ साथ उस पर प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। वैसे हर बाइक में ये होता है लेकिन उस बाइक में थोड़ा ज़्यादा है ये चीज़। आई वॉज़ वेरी कन्फ्यूज रिगार्डिंग दीज टू बाइक्स, ये जो हिमालयन है और ये एक्सपल्स है, बट अब मेरा प्रॉपर मन बन चुका है कि मैं एक्सपल्स ही लूँगा, बिकॉज एक्सपल्स में यार इतना अच्छा स्टैंस मिल गया है, आप सैडलिंग भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये देखो मेरे पूरे आर्म स्ट्रेच हैं और ये सैडलिंग बहुत प्यार से हो रही है इस पर, प्लस सीट भी कंफर्ट बना दी है भाई ने। तो यही है, इस पर थोड़ा सा अगर आप 5-10 हज़ार रुपये ऊपर खर्च कर सकते हैं तो दिस इज़ अ बेटर बाइक, बेटर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी ऑल्सो। तो अब क्या होगा, अब तो देखो अब आगे आने वाली वीडियोस में क्या होगा। अभी मैं आ रखा हूँ टी गार्डन के तरफ और ये टी गार्डन यार बहुत ही अच्छी घूमने की जगह है प्रेमनगर वालों के लिए, जो प्रेमनगर में रहते हैं, देहरादून में रहते हैं। यहाँ लोग काफ़ी एक्सरसाइज करते हैं और जो आर्मी में रिक्रूटमेंट होते हैं उन्होंने पेड़ों में बिम विम लगा रखे हैं, उस पर वो खींचते रहते हैं, पुशअप्स मारते हैं, रनिंग करते हैं, तो काफ़ी अच्छा है उनके लिए। तो इसको मैं घुमा के देखा हूँ थोड़ा 3-4 किलोमीटर और उससे मेरे को यही पता चला है कि इसका जो लाइट वेट डिज़ाइन है ना, तो वो इसके काम में है, मतलब इसका प्लस पॉइंट है इसका लाइट वेट डिज़ाइन। जैसे कि एग्जांपल ले लो हिमालयन का ही, तो वो काफ़ी हैवी बाइक है, उसका हैंडल भी हैवी फील होता है और वो बाइक भी बहुत हैवी है, मतलब संभालने वाले संभाल लेंगे, मैं भी संभाल सकता हूँ उस बाइक को, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जैसे आप 4-5 घंटे की राइड पर गए, तो जैसे ये अभी स्लो ट्रैफिक मिला है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है अगर आप 4-5 घंटे राइड करके आ रहे हैं, तो दैट विल बी अ हेडेक। और एक दो पॉइंट और, इसकी ब्रेकिंग इतनी अच्छी नहीं लगी मेरे को बिकॉज इसका टायर स्केट खड़ा है और इसकी जो हेडलाइट है वो तो भाई है नहीं है, वो पता ही नहीं चल रहा है, पता रात में पता चलता है, लेकिन रात में भी इतना, मतलब मैंने ज़्यादा रिव्यूज़ देखे हैं तो वो इतने अच्छे नहीं हैं इस पर, लेकिन उसका जुगाड़ हो सकता है कि हम एक्स्ट्रा लाइट्स लगा दें, तो दैट विल बी ग्रेट इन माई ओपिनियन। दिस इज़ वेरी गुड बाइक, वेरी गुड। एंड ये जो भाई ने एक्सप्लोरर लिखा रखा है ना, ये भी मस्त लग रहा है, शायद स्पेशल एडिशन भी लिखवा रखा है कुछ, मतलब इस पर छोटी छोटी डिटेलिंग्स के साथ ये बहुत अच्छी बाइक है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, बाय बाय।